नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। स्मैक बेचने के मामले में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। धामपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से स्मैक बेचने व खरीदने का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा था और इसको रोकने के लिए लोग लगातार शिकायतें भी करते आ रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में शामिल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार त्यागी, उप निरीक्षक मुकेश कुमार व योगेंद्र सिंह आदि ने अभियान चलाते हुए जावेद पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला साहुवान धामपुर, सलीम पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला नईसराय धामपुर, साहब आलम पुत्र अख्तर अहमद निवासी ग्राम पुराना धामपुर, सलमान पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला अफगानान धामपुर, शहजाद पुत्र साहिद निवासी मोहल्ला मनिहारी सराय धामपुर को 10 ग्राम स्मैक और 1455 नशीली गोलियों के साथ मारुति सुजुकी बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने उक्त धंधा पिछले काफी समय से करने की बात स्वीकार की। उधर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार त्यागी ने बताया कि उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। दिनेश प्रजापति, धामपुर की रिपोर्ट।